खेत में घुसी सिटी बस, आपको बता दें बेकाबू होकर यह सिटी बस जा घुसी खेत में। बस में 30 यात्री सवार थे, कई यात्रियों को चोट भी आई है, यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कोरबा से कटघोरा ये बस जा रही थी, कटघोरा थाना क्षेत्र के सलोरा गांव के पास ये हादसा हुआ, कई सारे यात्री इसमें घायल हो गए, सभी का इलाज जारी है। हालांकि किन्हीं कारणों से हादसा हुआ है ये अब तक सामने नहीं आ पाया है। बालोद में भीषण सड़क हादसा हो गया, तेज रफ्तार दो बाइक की टक्कर हो गई, हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। बालोद लोहारा मार्ग में जुजारा नाले के पास यह हादसा हुआ, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। धमतरी में भीषण सड़क हादसा हुआ, पिकअप और एसयूवी में टक्कर हो गई, टक्कर के बाद पिकअप पलट गई, दोनों गाड़ियों के 3 लोग घायल हुए हैं। कुरूद के पास यह हादसा होना बताया जा रहा है। तो टक्कर के बाद पिकअप पलट गई, ये बड़ा हादसा, 3 लोग घायल, सभी का इलाज अस्पताल में जारी है। सख्ती में हत्या से सनसनी फैली है। मालक रौदा थाना क्षेत्र के मुख्ता गांव में डबल मर्डर, घर में पति पत्नी की लाश मिली है, संदिग्ध हालत में शव मिले हैं, फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। कांकेर में शराबी डॉक्टर का वीडियो सामने आया, नशे में चूर मिला है कोयलीबेड़ा स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी, शराब के नशे में सड़क पर बैठा दिखा केंद्र प्रभारी। सड़क पर बैठे डॉक्टर की ग्रामीणों ने बहस हो गई, ग्रामीणों से डॉक्टर ने ग्रामीणों के साथ गाली गलौज भी की। शराबी डॉक्टर शीतल दुग्गा का वीडियो अब वायरल हो रहा है। कोरबा में नशे के सौदागर गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस ने दबोचे हैं नशे के 8 सौदागर। 24 जुलाई को गिरफ्तार तस्कर ने राज उगले हैं, तस्कर ने नशे के नेटवर्क का खुलासा भी किया है। कटघोरा, बांकी मोंगरा, दीपका और कुसमुंडा थाना क्षेत्र से 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो वही रायपुर में गौ सेवक के साथ मारपीट हुई है, महिला और उसके बेटे ने मारपीट की है। मारपीट में गौ सेवक बुरी तरह से घायल बताया जा रहा है, मारपीट का वीडियो भी सामने आया, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अंबिकापुर का जिक्र करेंगे, यहां पर महिलाओं से लाखों रुपए की ठगी हुई है, प्राइवेट बैंक से समूह लोन के नाम पर लाखों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। 30 से ज्यादा महिलाओं से ठगी हुई है, ये भी बता दें एक ही गांव की ये सभी महिलाएं हैं, खेती बाड़ी के लिए महिलाओं को लोन देने का झांसा दिया गया और इनसे ठगी की गई। गांव के युवक आनंद गुप्ता ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया, ठगी कर गांव से युवक फरार भी हो गया। बैंक के लोग रकम वापसी के लिए महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, परेशान महिलाओं ने एसपी से मदद की गुहार भी लगाई है। पैसा निकाले रहीन तो करो माने कि हमर से ठग के निकले पैसा ला लोन, और का बोलिन कि रोपा बीड़ा समय में दे दे, अब देवा एक हस्त हम दे देन, तो उतना दिन साहब मन खोजी भी नहीं करी। जब रोपा बीड़ा का समय आएगी समन गए रहन पैसा निकाले, अब पता चला थे पैसे नहीं, अब लखनपुर वाला बैंक वाला मन आएगी, अब पैसा खोजत है हमारे जगह 2-3 बार भरवाइन, तो हमन कहाँ से दे पैसा। मोला कल पैसा नहीं पटात रहे तो मोला कहीं चल तो किडनी निकाल कुन बेच देबो। कोई 35 बता रहे हैं, कोई 40, कोई 70 तक, तो लगभग 35 महिलाएं हैं। अंदाजा है कि 18 से 20 लाख रुपया हरण किया होगा। थाना दरिमा के अंतर्गत नांदावाली गांव है, जहां पे जो 3 अनावेदक हैं आनंद, पसवंती, सुमन, इनके द्वारा इनको बिना बताए इनके नाम से लोन लेकर के इनको ना तो पैसा दिया गया ना ही जानकारी दी गई। साथ ही साथ इनके द्वारा ये बताया गया कि बैंक वाले भी अनावश्यक
इनके पास में आकर के इनको परेशान करते हैं। तत्संबंध में थाना प्रभारी तरिमा को मामले में जांच करके कार्यवाही करने के लिए निर्देश। महासमुंद में दो गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 50 किलो गांजे के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई है। अंतर्राज्यीय तस्कर की गिरफ्तारी हुई। 50 किलो गांजे के साथ ट्रक भी जब्त किया गया। करीब 7.5 लाख का गांजा पकड़ा गया है। पकड़े गए तस्कर जावेद खान, मुमताज खान महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ओडिशा से गांजा तस्करी कर महाराष्ट्र में खपाने की तैयारी में ये थे। न्यूज 18 के मंच पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रदेश में कानून व्यवस्था के सवाल पर कहा कि आज प्रदेश में कानून का राज है, पुलिस सजगता से कार्रवाई कर रही है। उनकी माने तो प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ में किसी माफिया को पनपने नहीं देगी। हमें फन कुचलना आता है, ये भी कहा। सुनिए, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, कितने बड़े बड़े स्कैम हुए। ईडी ने अपने चार्जशीट में लिखा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर छत्तीसगढ़ को लूटने का काम, और जिस प्रकार से बेखौफ होकर अपराध हो रहा था, आज छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। और कोई हिम्मत कर रहा होगा तो उस पर कार्यवाहियां कैसे हो रही है, कितनी सजगता से हमारी पुलिस काम कर रही है, ये आपने देखा है। तो हम छत्तीसगढ़ में किसी माफिया को पनपने नहीं देंगे। पनपने से पहले फन कुचलना हमें आता है, और छत्तीसगढ़ के शांति व्यवस्था पर किसी को भी खलल डालने का इजाजत नहीं होगी। रामेन डेका ने राज्यपाल पद की शपथ ली। आपको बता दें, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शपथ दिलाई है। सीएम साय समारोह में मौजूद रहे। मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आपके सामने। रामेन डेका ने राज्यपाल पद की शपथ ली और इसी दौरान कार्यक्रम में सीएम साय समारोह में मौजूद रहे।